बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद व सलाम शाने कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब एमएन ने चौधरी मोहम्मद इलियास के अगवा को आज दूसरा रोज़ है। कहाँ है वो, क्या वो गिरफ्तार हैं, उठा लिए गए, हिरासत में हैं या अगवा हैं, अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी। उनके बेटे चौधरी फहद इलियास से मेरी फोन पर बात हुई तो उन्होंने क्या बताया, और अब हल्के में कुछ बड़ी एक मुनज्जम कंपेन चल रही है चौधरी इलियास के खिलाफ, और इसमें नाम चौधरी शाहिद रजा का भी आने लगा है कि जनाब ये जोड़ी जो है हल्का एन 62 और पीपी 28 की, ये कमिटमेंट करके इन्होंने अपने नोटिफिकेशन लिए हैं, यानी ये काफ लीग को पहले हिस्से प्यारे हो चुके हैं और इन्होंने कमिटमेंट के तहत ही इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, और अभी तक इसीलिए ये किसी जमात में, यानी तरीके इंसाफ ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इनके MNAs MPs को शामिल कराया गया है, उसमें शामिल नहीं हुए। तो इसका साफ और सीधा मतलब यही लिया जाए कि जनाब ये दोनों काफ लीग को प्यारे। चूंकि नाज़रीन, हकीकत क्या है आज इस वीडियो में बात करते हैं। पहले उन देखने सुनने वालों को जिनको तफसील नहीं पता कि चौधरी मोहम्मद इलियास को गुजरे कल रात को 1 बजे के करीब जेहलम में एक बड़ा मारूफ रेस्तरान है, चाय खाना, GT रोड पे के किनारे पे वाकई है, दरियाए जेहलम के, वहाँ से उनको उठा लिया गया और इनकी फैमिली मेम्बर्स ने एक दरख्वास्त भी दी है पुलिस हुकाम को कि चौधरी मोहम्मद इलियास अपने साथियों के साथ रात को वहाँ चाय पीने के लिए रुके थे कि अचानक हल्ला बोल दिया कुछ अफराद ने, जिनमें कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस थे, कुछ वर्दियों में मलबूस थे, और आकर वो चौधरी मोहम्मद इलियास को अपने साथ ले गए। अब उसके बाद इनकी कोई खबर नहीं है। मेरी बात हुई इनके साहबजादे चौधरी फहद इलियास एडवोकेट से, उनका ये कहना था कि हमें ताहाल चौधरी मोहम्मद इलियास की खैर खबर के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ ले जाए गए, क्यों उठाए गए, किस जुर्म की पादाश में अगर उनको हिरासत में लिया गया है, या अगर अगवा भी किया गया है तो अगवाकारों का मकसद क्या है। नाज़रीन, मेरा इनसे सवाल था कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ा ही चर्चा है कि चौधरी मोहम्मद इलियास जो है वो अगवा किए नहीं गए, अगवा हुए हैं खुद अपनी मर्जी से, मंशा से, क्योंकि ये सब एक ड्रामा रचाया गया है ताकि वो हमदर्दियां हासिल कर सकें अपने हल्का इंतहाब के उन वोटर्स की जिन्होंने उनको वोट देकर कामयाब किया था कि मैं तो मजबूर हो गया था, मुझे उठा लिया गया वफादारियां तब्दील कराने के लिए। इस पर चौधरी फहद इलियास ने तरदीद की। उनका ये कहना था कि जनाब इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं, कहानियां हैं। अब नाज़रीन, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद ताहाल चौधरी मोहम्मद इलियास के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। अब एक सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने बकायदा कमिटमेंट करके इलेक्शन लड़ा इस शर्त पर कि वो जीतकर काफ लीग में शामिल हो जाएंगे, और फिर कहा गया कि जी उन्होंने एक बयान हल्फी भी जमा करा रखा है, और फिर अब जो ताज़ा तरीन ये मूवमेंट हुई है उनको उठा लिए जाने की। नाज़रीन, मुझे एक ओवरसीज पाकिस्तानी की कॉल आई और उनका ये कहना था कि चाय खाना की जो इंतज़ामिया है वो भी जेरे लब मुस्कुराते हैं जब उनसे इस वाक़े की तस्दीक पूछी जाती है। तो उनका ये कहना था कि CCTV फुटेज भी साथ ले जाए गए हैं, और नाज़रीन यानी एक बड़ी तादाद जो है लोगों की वो इसको एक खुद साख्ता ड्रामा करार देती है, लेकिन देखना यह है कि ये ड्रामा मजीद कितनी देर चलेगा। और नाज़रीन, आज वो एक और मेहरबान जो हैं उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर हल्फन ये कहा कि जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास कमिटमेंट करके गए हैं और ये सब उनके कहने पर, उनकी फरमाइश पर ये अगवा का एक बाकायदा जो था स्क्रिप्टेड ड्रामा था वो रचाया गया है। आप अनकरीब अगले आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे चौधरी मोहम्मद इलियास की तस्वीर किसी के साथ आ जाएगी, या फिर आप उनको असेंबली में जब भी इजलास कॉल किया जाता है तो आप उनको हुकूमती बेंचों पे बैठे देखेंगे, और न सिर्फ देखेंगे बल्कि मुस्तकबिल में वो किसी वजारत के ओहदे पर भी आपको जलवा अफरोज नजर आएंगे। यानी अगर ये सच है, अगर इसमें सदाकत है, अगर इसको मान लिया जाए कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने PTI के उन लाखों वोटर्स को जिन्होंने उन पर एतमाद किया और ईवान में भेजा, उनके एतमाद को किरची किरची करके, यानी हल्का इंतहाब के वोटर्स के इंतहाब को चौधरी मोहम्मद इलियास ने एक वजारत के इवज बेच दिया, यही कहा जा सकता है। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब उसी मेहरबान शख्स का यह भी कहना था कि चौधरी शाहिद रजा और चौधरी मोहम्मद इलियास दोनों
बिल्कुल एक साथ गए हैं, कमिटमेंट करके गए हैं, कमिटमेंट करके इलेक्शन लड़ा है, कमिटमेंट करके नोटिफिकेशन लिया है, और अब चूंकि जरा तेज जो है माहौल वफाक का है, क्योंकि वफाक में नंबर्स गेम है, नंबर कम है, इसलिए जरूरत है एमएनएस की और उनको उठाए जाने की, हमदर्दियां लेने की, वफादारियां तब्दील करवाने की। उनका कहना था कि जनाब पंजाब में चूंकि नून लीग के नंबर्स पूरे हैं, अभी वहां पर जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं की जा रही उन अराकीन के साथ जो आजाद हैसियत में पीटीआई का वोट लेकर मुंतब हुए हैं। अब नाजिक सवाल यह है कि अगर तो चौधरी मोहम्मद इलियास हो या चौधरी शाहिद रजा, करार वाकई उन्होंने ये अमल किया है, कमिटमेंट करके इलेक्शन लड़ा, नोटिफिकेशन लिया और आइंदा कुछ रोज में वो जाने वाले हैं, तो फिर नाजिक क्या क्या कहा जा सकता है जाने वालों के बारे में। लेकिन एक बात सच है, हकीकत है कि अगर ये दोनों अहबाब ऐसा करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि इन्होंने अपने सियासी ताबूत में खुद अपने हाथों से कील ठोंक दिया है, क्योंकि हल्का इंतहाब के वोटर्स के साथ दगा करना, उनके हक्के खुद जो हक्के राय दही है उसको यूं पामाल करना, ये कोई अच्छा फेल नहीं है। और आप देखेंगे कि इनको किस कदर शदीद पीटीआई के वर्कर्स के रद्दे अमल का सामना करना पड़ेगा। और नाज़रीन, अगर इन खबरों में कोई सदाकत नहीं, ये महज अफवाहें हैं और ये ज़्यादा उन हलकों की जानिब से फैलाई जा रही हैं जो शिकस्त खुर्दा हैं और शायद जो खुद भी जिनके मफाद को ज़द पहुंची है, तो फिर इसमें भी मज़ीद इंतज़ार की अब घड़ियाँ चंद बची हैं, क्योंकि 2-3 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। अगर चौधरी मोहम्मद इलियास और चौधरी शाहिद रजा तमाम तर जो दबाव है उसको झेल जाते हैं और डटे रहते हैं इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ, तो फिर नाज़रीन कहा जा सकता है कि वो मर्दों वाला काम करेंगे और उनकी सियासत जो है वो जिंदा रहेगी और वो आइंदा सियासत करते नजर भी आएंगे। लेकिन अगर उन्होंने इससे हटकर कुछ किया तो फिर जिल्लत उनका हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।